कई बार मैं ये सोचती हूँ कि भैया ये सीरियल वाले सोचते क्या है। मतलब हॉस्पिटल में कोई भी कभी भी घुस जाता है, जो मर्जी कर सकता है, भेस बदल के कोई डॉक्टर नर्स बन के आ जाता है और किसी को कानो कान खबर ही नहीं होती है। अब देख लीजिए ना, परी का काम तमाम करने के लिए दादी और नीति दोनों भेस बदल के आई हैं हॉस्पिटल में, गजब है, और किसी को कुछ पता ही नहीं है। बदले की भावना कोट कोट कर नीति के अंदर कुछ इस कदर समा गई है कि वो अब परी की जान लेने के लिए उतारू हो गई है। एक तो मैं जानती हूँ तेरी मौत के बाद ही मुझे सजूंगी। चलो बहुत बातें हो गई, मर जाओ, तेरे बनने का वक्त आ गया है। नीति पागल हो चुकी है, संजू मूव ऑन हो चुका है लेकिन नीति मूव ऑन नहीं हो पा रही। नीति को है कि नहीं, मुझे संजू ही चाहिए पूरी लाइफ के लिए, वो किसी और का नहीं हो सकता। तो किसी और का तो वो परी का होने जा रहा है, तो परी को तो हटाना पड़ेगा। परी जो राजीव को बचाते बचाते खुद ना बेहोश हो गई, उसकी हालत अभी बहुत खराब है। अस्पताल में मौका देखकर नीति पहुंची उसे खत्म करने के लिए, और इसमें नीति का साथ दादी भी दे रही है। अब वो परी जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, उसके पेट में राजीव और नीति का बच्चा पल रहा है। इसकी फिक्र तो बिल्कुल नहीं है नीति को, बस उसे उसका संजू चाहिए। इसके लिए वो रास्ते से परी को हटाना चाह रही है। अब कहते हैं ना, छोटे अगर गलत काम करे तो बड़े उन्हें समझाते हैं, लेकिन जब बड़े खुद ही विश्वासघाती निकले तो भला ऐसे में बड़ों पर कौन विश्वास करेगा। अब ये बात भी तो किसी ने सही कही है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। नीति जब परी की जान लेने ही वाली थी, तब आ गया राजीव भी और पीछे से नर्स भी आ गई। संजू एकदम से पीछे से आ जाता है और उसे लगता है कि ये नीति यहाँ पर क्यों है, ये तो पसंद नहीं करती परी को, तो उसको थोड़ा सा शक जाता है और मुझे ऐसे ही देख रहा है पूरे सीन में एंड तक। अपने नापाक इरादों में सफल तो नहीं हो पाई नीति, लेकिन अब जब दादी का साथ मिला है तो वो एक कोशिश और करेगी। क्या इतना आसान होता है अस्पताल में इस सबके बीच किसी की जान लेना? ये सीरियल की कहानी है ना, इसीलिए हजम हो जा रही है। ड्रामे को एक्सट्रीम लेकर जाने के लिए ये सब ट्रैक ना बहुत काम करती हैं सीरियल की दुनिया में। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।